कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? इस दिन भगवान गोवर्धन कृष्ण के रूप में विराजमान हैं। इसलिए जानते हैं विस्तार से इस विषय पर एवं क्या क्या पकवान भगवान गोवर्धन को चढ़ाने चाहिए, कितनी परिक्रमा करने से यहीं पर गोवर्धन नाथ का परिक्रमा देने का फल प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी वालों के साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आज गोवर्धन महोत्सव, गोवर्धन पूजा के विषय में। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार प्रायः सभी लोग जानते हैं, क्योंकि संपूर्ण देश में सर्वत्र श्रीमद् भागवत कथा का प्रचलन चलता है। गोवर्धने धृते शैलात आसारात रक्षते व्रजे गोलोकात व्रजत कृष्णम सुरभि सक्रये विचा। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में लिखा है कि भगवान कृष्ण ने आज ही के दिन, यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन ही माँ यशोदा से जब ये पूछा गया कि माँ ये सब इतने नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोजन आप किसके लिए बना रही हैं, तो मैया यशोदा ने कहा था कि जय जय की ताई माँ ने देवराज इंद्र के लिए। तब माँ के कहने पर भगवान कृष्ण ने कहा था कि महिंद्रा किम करिष्यति, यानी कि इसमें इंद्र क्या करेंगे, क्योंकि जब माँ ने ये कहा था कि वह देवराज हैं, देवताओं के राजा, वो वर्षा करते हैं, और जब वर्षा करते हैं तब ही हमारे जो भी पशु हैं, हम लोग हैं, जल जीवन हमारा ठीक चलता है। तब भगवान ने कहा था कि महिंद्रा किम करिष्यति, इसमें इंद्र क्या करेंगे, और जल बरसाने वाला तो भगवान नारायण है, और आप जो भी यह सब कर रहे हैं ये सब मेरी इच्छा है कि हमारे जो ब्रज के अंतर्गत गोवर्धन नाम की शिला जो पर्वत है उसकी हम लोग तलहटी में जाकर के पूजन करें। शास्त्रों की मान्यता है, आप सभी लोगों को प्रायः पता ही है कि भगवान कृष्ण के कहने पर मैया यशोदा ने एवं संपूर्ण ब्रजवासियों ने जाकर के उस शिला पर जाकर के और गोवर्धन के स्वरूप में भगवान स्वयं विराजमान हुए, और 7 कोस 7 दिन 7 रात और 7 किलोमीटर की वह परिक्रमा भगवान ने अपनी एक छिंगली पर धारण किया, और भगवान ने अपना गिरधारी नाम सार्थक रखा। तब से लेकर के और आज तक द्वापर युग की कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और कलयुग के आज के समय तक गोवर्धन पूजा का विस्तार वर्णन चला आ रहा है। इसलिए हम सभी लोग आज ही के दिन कोई गोबर से, बुंदेलखंड में प्रायः प्रथा है कि गोबर के गोवर्धन बना करके और कड़ी भात कचैया पापड़ खींचला इत्यादि नाना प्रकार के पकवान बना करके और भगवान गोवर्धन को प्रसाद रूप में चढ़ाते हैं। इसके बाद में 7 परिक्रमा चारों तरफ कलश रखते हैं, और कलश रखना चाहिए, परिक्रमा दे करके खील होती है, लाई होती है, अथवा कई लोग लाइचे दाना अथवा बादाम छुआरे इत्यादि से परिक्रमा करें। भगवान को दूध दही एवं खीर विशेष प्रिय है, इन सब का भोजन भोग लगाएं, तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार से करने पर शास्त्रों में लिखा है कि जो गोवर्धन में जाकर के परिक्रमा का फल प्राप्त होता है वह फल निज निवास अपने घर पर ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो भी इस प्रकार से करता है उसे भगवान गोवर्धन नारायण की लक्ष्मी की कृपा उस पर बरसती रहती है, और इस वर्ष विशेष कर करके 3 राशियों पर गोवर्धन भगवान की कृपा बरसने वाली है, जैसे कि मेष, तुला और कुंभ, इन पर विशेष लाभ पद प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।